बड़ी खबर मध्य प्रदेश से मिल रही है। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक बड़ा हादसा हुआ है। झरने में अचानक आए पानी के बीच दो बच्चे बह गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के रायसेन में बड़ा हादसा हुआ है और रायसेन में दो बच्चे बहे झरने में। अचानक पानी बहने की वजह से यह हादसा हुआ है और मध्य प्रदेश के रायसेन की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जी मीडिया पर एक्सक्लूसिव, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। झरने में अचानक पानी आने से दो बच्चे बहे। ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। झरने में अचानक पानी बहुत तेजी के साथ आया, दो बच्चे इसमें फंस गए थे। वो बच्चे पानी का बहाव तेज होने की वजह से वहां पर टिक नहीं पाए और दोनों ही बच्चे डूब गए। दोनों बच्चे इस तेज बहाव के साथ बहते हुए चले गए। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पानी की धारा के बीच दो बच्चे फंसे हुए थे, लेकिन जब पानी का दबाव ज्यादा बढ़ा, धारा ज्यादा तेज हुई, तो फिर वो वहां पर रुक नहीं पाए और पानी की तेज धार के साथ बहते हुए आगे चले गए। ये देखिए तस्वीर को हम आपको और करीब से दिखाने की कोशिश करते हैं। दो बच्चे थे जो इस जगह पर फंसे हुए थे। पानी यहां पर बढ़ता गया और पानी इतना तेज हो गया कि उनके लिए संभलना नामुमकिन हो गया और इस तेज धारा के बीच ये दोनों बच्चे बह गए हैं। तो तस्वीरें इस वक्त आप मध्य प्रदेश के रायसेन की देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त जी मीडिया आपको दिखा रहा है किस तरह से बाढ़ के पानी में दो बच्चे डूब गए। आए दिन तस्वीरें हम देख रहे हैं बाढ़ की वजह से किस तरह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें डराती हैं। भयावह तस्वीरें इस वक्त रायसेन से आ रही हैं, जहां पर दो बच्चे बाढ़ के पानी में बह गए। और ऐसे इलाकों में आपसे हम ये अपील भी करते हैं कि ना तो खुद जाएं ना अपने बच्चों को जाने दें, क्योंकि ऐसे इलाके में कब पानी बढ़ेगा इसका अंदाजा लगा पाना प्रशासन के लिए भी काफी मुश्किल होता है। जीनी।